सो दिस इज़ अ कॉफ़ी प्लांटेशन एंड मेरा बहुत मन था यहाँ पे आने का एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एटलीस्ट मैं चिकमंगलूर के कॉफ़ी प्लांटेशन के अंदर रुका हूँ। ये जो पीछे मेरी होटल है मैं उसके अंदर रुका हूँ। कॉफ़ी के बारे में मुझे डिटेल्स बहुत ज़्यादा पता है एंड लाइक पहले मैं CCD में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पहले कि मैं CCD में अभी जो सर है वो हमें कॉफ़ी के बारे में बताने वाले या ये सब कॉफ़ी के अंदर जो काम करते हैं वो है यहाँ पे बहुत सारे बीजेस हैं लाइक यहाँ पे बहुत सारे प्लांटेशन हैं। कुछ कॉफ़ी के हैं कुछ क्या कहते हैं इसे कुछ काली मिरी जो होती है ब्लैक पेपर के ये देखिए मैं आपको कॉफ़ी बता देता हूँ। ये जो चेरी होती है ये कॉफ़ी होती है। इसके अंदर कॉफ़ी के बीन्स होते हैं वो चेरी उसके अंदर भी कैफीन उसके अंदर तो भर भर के कैफीन होता है। वो बहुत मीठी होती है अगर आप खाओगे ना वैसे ये बहुत ये लाइक अगर आपको कभी खाने का मौका मिले तो दोस्त खाइएगा नहीं इसे। जो कॉफ़ी के फ्रूट्स होते हैं आप इसे खाइएगा नहीं लाइक कैसा होता है ये बहुत गर्म होते हैं ये मीठे होते हैं लेकिन जब आप खाओगे ना तो लाइक आपको लाइक पेट ख़राब हो सकता है आपको जुलाब हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। आप देख रहे हो आजू बाजू इतनी अच्छी ग्रीनरी है बड़े बड़े पेड़ है। ये प्लांटेशन में रुकना बनता है बॉस लाइक एटलीस्ट एक दिन के लिए तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको लेकिन मेरी मानो कम से कम 2-3 दिन आराम से रुके जाइए यहाँ पे। ये जो पूरा प्लांटेशन है कॉफ़ी का ये 20 acres के अंदर फैला हुआ है एंड बहुत ज़्यादा 20 acres मुझे पता तो नहीं कितना होता है लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा ये। एंड रुपेश अभी हमारे साथ है जैसे कि हम अंकल के साथ में बात कर रहे थे रुपेश मिसिंग था। चल रुपेश आगे चल यहाँ से। ज़बरदस्त प्लांटेशन ये इतना खूबसूरत है इतना खूबसूरत फाइनली यहाँ तक आ गया मैं। ओ कॉफ़ी कल्टीवेट हो रही है यहाँ पे मैडम यहाँ पे कॉफ़ी कल्टीवेट कर रहे हैं मैडम कॉफ़ी निकाल रहे हैं। अरे वाह हाँ चलो ना। ओ ये देखिए इतने जूसी फ्रूट लग रहे हैं यार ये ऊपर दिस वन ओके सेम ऊपर साइड जा रहे हैं। सो राइट नाउ हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ से। अरे एक सेकेंड मेरा कैमरे का ये ले लेता हूँ। ब्लॉगर लाइव दो ब्लॉगर एक साथ में वो नहीं कर सकते। मैं आगे चले जाता हूँ थोड़ा। कॉफ़ी प्लांटेशन इज़ ये बहुत ही गज़ब है एकदम। यहाँ पे खाली देख रहे हो एकदम मैडम्स सब कॉफ़ी ये सब कॉफ़ी निकाल रहे हैं। ये काली मिरी का झाड़ है जो आप अभी देख रहे हो यहाँ पे। काली मिरी मैं आपको बता देता हूँ जो अभी तक काली नहीं हुई है अभी तक ये हरी है। दिस वन ये जो ब्लैक पेपर आप कहते हैं वो ये अभी तक हरे ही है जब ब्लैक हो गए पता नहीं इसका मुझे हिसाब किताब नहीं पता शायद ये भी फ्रूट होगा इसके अंदर ब्लैक पेपर हो गए। अभी ये रोस्ट होएगा ना सर। ये रोस्ट होने के लिए किधर लेके जाते हैं आप? तो आपने देखा वो जो फ्रूट के अंदर से बीज निकलते हैं उसको इस तरह से सुखाते हैं। ये अभी पूरे सूख चुके हैं तो कुछ याद के तौर पे छोटी मोटी चीज़ें ये कुछ याद के तौर पे कुछ बीज है जो मैं आपसे लेके जाता हूँ। जब से हम आए
है तब से ये डॉगी को हम जरा भी पसंद नहीं है, कंटिन्यूसली हमारे पे चिल्लाया जा रहा है, बट इसकी भी गलती नहीं है, ये इसका नेचर है। एंड अभी हम चिकमंगलूर जा रहे हैं जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जाके हम शहर को एक्सप्लोर करेंगे, कॉफी म्यूजियम है वहाँ पे भी जाएंगे एंड बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड मैन, स्टे ट्यून्ड।